तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी सुशांत सिंह को लेकर के, उनके फिंगर मूवमेंट को लेकर के। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे क्लेम किया गया है कि वो जिंदा थे, और आपने ये वीडियो देखा भी। देखकर तो लगता है कि हाँ, फिंगर की मूवमेंट हुई है। तो इसकी क्या सच्चाई है? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो ये किस रीज़न से पॉसिबल हो सकता है? इस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोनों पॉइंट रखूँगा, मेडिकल पॉइंट भी मैं रखूँगा और पैरानॉर्मल पॉइंट भी इस पे रखूँगा। इस बात को लेकर के मैंने कांटेक्ट किया था किसी थर्ड ईयर की MBBS स्टूडेंट से। उन्होंने मुझे जो बातें बताई वो मेरे लिए भी काफ़ी चौंकाने वाली थी, खास के वो के ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि मुर्दा घर में, मॉर्चरी में लोगों का हाथ तक पकड़ लिया, मतलब डेड बॉडी ने। तो मेरे लिए तो चौंकाने वाली बात है क्योंकि मैंने कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। राइगर मॉर्टिस इज एक्चुअली अ पोस्टमार्टम फेनोमिनन इन विच देर इज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन। ये शुरू होता है 1 to 2 hours आफ्टर क्लिनिकल डेथ। इसकी रीज़न यही है कि आर मसल्स स्टोर ग्लाइकोजन एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस ग्लाइकोजन से एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जिसको हम ATP के नाम से जानते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये ATP प्रोड्यूस होता है। दीज ATP मॉलिक्यूल्स आर नीडेड फॉर बोथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। तो टिल 1 to 2 hours तो ग्लाइकोजन स्टोर्स है, बॉडी ATP प्रिपेयर कर रहा है एंड देर इज नॉर्मल टोन ऑफ द मसल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। बट 1 to 2 hours के बाद क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड व्हेन दीज स्टोर्स आर एग्जॉस्टेड देर इज नो ATP बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो जितने भी ATP है सब मसल कॉन्ट्रैक्शन में लग जाते हैं, मतलब जो भी बचा है ATP सब मसल कॉन्ट्रैक्शन में लग जाते हैं एंड देर इज नो ATP लेफ्ट फॉर द मसल्स टू रिलैक्स। तो इन सच अ केस ऑल द मसल ऑफ द बॉडी स्टे इन द कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन फेज लास्ट फॉर 36 to 48 hours। जब ये कॉन्ट्रैक्शन फेज शुरू हो रहा है, दैट इज 1 to 2 hours आफ्टर क्लिनिकल डेथ, देर मे बी मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक मसल्स आर बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड, सो मूवमेंट हो सकता है। एंड व्हेन राइगर मॉर्टिस खत्म होने लगता है, दैट इज आफ्टर 36 to 48 hours आफ्टर डेथ, देर मे अगेन बी सम मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जब मसल्स रिलैक्स कर रहा है। एंड इस ये एक बहुत मतलब कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद इफ़ एनी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ गोज़ टू चेक दैट पर्सन आफ्टर 1 to 2 hours ऑफ हिज डेथ, द डेड पर्सन मे सडनली ग्रैब द हैंड ऑफ द मेडिकल पर्सनल। ये बहुत कॉमन है। सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जो डॉक्टर ने बोला, जो उस MBBS स्टूडेंट ने बोला, बॉडी में डेथ के बाद कुछ एक केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण मेडिकल साइंस ये मानती है कि ये पॉसिबल है। लिम्स मतलब फिंगर का, हाथ का, पैर का मूव होना, ये मेडिकल साइंस मानती है। एंड एज पर डॉक्टर्स की ये बहुत ही एक कॉमन फेनोमेन है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत कुछ स्पेशल है। इसको अगर मैं पैरानॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगा ना, तो मुझे एक गौरव तिवारी भाई की वीडियो के बारे में जिक्र करना पड़ेगा, 2016 जनवरी, जो कि उन्होंने टेड टॉक में बोला था। टेड टॉक की उनकी स्पीच थी, उसमें बोला था, अनफॉर्चुनेटली टेड टॉक वालों ने डिलीट कर दी वो वीडियो। टेड टॉक की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। मुझे खैर आज तक तो समझ में नहीं आया कि क्यों डिलीट किया। उनसे हमने पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि आउट ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि ये बंदा अब दुनिया में नहीं है, तो हमने रेस्पेक्ट देने के लिए वीडियो को डिलीट कर दिया। बट ये मुझे नहीं समझ में आता कि रेस्पेक्ट देने के लिए लोग सड़कों का, कॉलोनी का, जगह का नाम रखते हैं किसी, अगर कोई वेल नोन है तो उसके ऊपर। बट ये कैसा रेस्पेक्ट था, ये टेड वाले जाने। इस वीडियो को देखिएगा पहले, गौरव ने क्या बोला है, उसके बाद मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। If I'm a ghost, if I find myself dead some morning or some night, and I get up and see my body lying there, I'll be confused. I'll be thinking that, what happened to me? I'll go to my friends. I'll try to speak with them. See, I have survived. I don't know what happened to me. There's my body lying and I'm still here.
but they are not able to watch me. So I'll try my best to get their attention, to get notice. So I'll use all my power, using the power of mind like psychokinesis or ESP to just give them a hint. I would rather move an object to make myself notice. And if someone sees me moving an object and he says, oh my God, it's a ghost, you know, run away, I'll get frustrated. So there's nothing to be scared of. If you ever experience any paranormal activity, just imagine that someone is trying to get noticed. It's not that someone is trying to scare you. अगर आपने वीडियो को देख लिया हो तो इसमें बहुत क्लियर सी बात है. गौरव ने कहा वन डे आई फाइंड माई सेल्फ लाइंग ऑन फ्लोर, मतलब किसी दिन मैं अपने आप को मरा हुआ देखता हूँ या मैं मर जाता हूँ. उनका साफ ये कहना था कि जो सोल होगी किसी इंसान की, अगर उसकी डेथ हो जाती है और बॉडी से जब वो अलग होता है, मानना तो है पैरानॉर्मल के जो एंथुजियास्ट है या कुछ लोग जो इस पर डीप रिसर्च कर रहे हैं, उनका मानना तो है कि वो बड़े डिस्टर्ब और डेस्परेट होते हैं कि यार मुझे क्या हो गया है, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल. उनको लगता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये मेरी बॉडी नीचे गिरी पड़ी है. हाँ, उसके बाद पहले वो ऐसा माना जाता है कि कई ऐसी एंटिटीज वापस भी जाना चाहती है, उनको एक वे चाहिए होता है कि किसी तरीके से वो बॉडी में फिर से जान आ जाए. ये एनडी से भी रिलेटेड है, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं. खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, उस पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो पैरानॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा माना जा सकता है कि अगर कोई बहुत स्ट्रेस में किसी की डेथ हुई है, नो मैटर सुसाइड हो, मर्डर हो, एक्सीडेंट हो, तो जब उसकी स्पिरिट उसके बॉडी से बाहर निकल जाती है तो ये कोशिश करता है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है और इवन चीखता चिल्लाता भी है. चीखना चिल्लाना इन द सेंस उसके सामने जितने लोग हैं, मीन्स सपोज एक बॉडी यहाँ पड़ी हुई है और यहाँ पुलिस है, यहाँ डॉक्टर है, और वो सबसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, सबको इंडिकेट करने की भाई मुझे क्या हुआ है, क्या तुम लोग क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा. ये मेरा इसलिए मानना है कि मरने के कुछ सेकंड पहले का जो ब्रेन की मेमोरी होती है ये वैनिश हो जाती है. ये मुझे अपने कुछ रिसर्च में भी पता लगा है और मैंने कुछ न्यूरोलॉजिस्ट से भी बात की थी. हालांकि ऑन कैमरा उन्होंने बोलने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, बिल्कुल हमारे स्टडीज़ के. लेकिन अपने हम एक्सपीरियंस पे ये बता रहे हैं क्योंकि देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है भगवान को मानता है, एक होता है नहीं मानता है. तो अगर आप माने तो सब कुछ है, नहीं माने तो कुछ नहीं है. और पैरानॉर्मल को लोगों ने सुडो साइंस मतलब जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है बना कर रखा है. लेकिन मैंने एक देखा है कि ये एक अजीब सी बात है कि जो लोग पैरानॉर्मल को सुडो साइंस मानते हैं वो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, वास्तुशास्त्र पे करते हैं. अगर फिर से मैं कह रहा हूँ कि डीपली देखा जाए तो ये दो तीन चीज़ें भी जो हैं ये भी सुडो साइंस में हैं. और जब एस्ट्रोलॉजी सुडो साइंस में है तो फिर जन्मपत्री बन रही वो भी सुडो साइंस है. अब भाई ये तो सबको पता है कि जन्मपत्री के बेस पे इंडिया में शादियाँ होती है और माना यह भी जाता है कि इंडिया में जो शादियां होती है शायद दुनिया में सबसे सक्सेसफुल होती है. आई डोंट नो, ये डेटा आप निकाल लीजिएगा. ये मानने के ऊपर है. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को टारगेट करना चाहते हैं वो ठीक है, वो आपकी मर्जी है. चलिए मेरा जो एक्सप्लेनेशन था, मैं ये मानता हूँ कि मरने के बाद बहुत ज़्यादा जिसकी सोल होती है, जिसकी डेथ हुई है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान होता है. सीधी सी बात है, ये मान लीजिए एक डायमेंशन है, यहाँ पे मैं हूँ, मैं ज़िंदा इंसान हूँ, और यहाँ पे एक डायमेंशन है जहाँ पे मरे हुए लोग हैं, ये उनकी दुनिया है जिसको आप आत्मा भूत प्रेत कहते हैं. इस डायमेंशन से इस डायमेंशन ये जा चुके हैं तो यहाँ के लोगों को इस डायमेंशन के बारे सब कुछ पता है, ये मास्टर रहे हैं यहाँ के. लेकिन हम सिर्फ अभी यहाँ पे हैं, हम इस डायमेंशन में नहीं गए हैं, तो हम सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं.
ये सब कुछ देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, उस पर भी कभी चर्चा होगी किसी और वीडियो में। तो ये मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल थॉट है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस, और गौरव भाई के साथ मैंने जितना काम किया है। एक समय तो मैं भी ऐसा था, कोई बोलता था भूत प्रेत आत्मा, मैं कहता था पागल है। बहुत कुछ लाइफ में देखा है, इसीलिए ये चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। आँख कब तक मतलब कोई इंसान बंद करके रहेगा? और एक क्वेश्चन उठ रहा था, एक कोई डिलीटेड डिलीटेड तो नहीं, इनफैक्ट मैंने उस वीडियो को प्राइवेट की थी, उस पर क्वेश्चन उठ रहा था कि आपने क्यों प्राइवेट की, क्यों प्राइवेट की। मेरे हिसाब से वो वीडियो इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट मतलब उस वीडियो का जो कंटेंट है वो सही नहीं है। खबर इंटरनेट पर उनकी मौत। ये मैंने शायद 3 दिन पहले किया है, बनाया भी था और 1 घंटे के बाद प्राइवेट कर दिया। लेकिन उस वीडियो के सपोर्ट में जो मैंने बोला है, वो न्यूज़ चैनल में भी ये नहीं, ये आ गई खबरें थी, चल रही क्या है। बड़ी खबर आ रही है कि इंटरनेट पर उनकी मौत से पहले ये खबर आ गई। विकिपीडिया ये प्राइवेट देखिए, पेज पर आप सुन लीजिएगा। नई जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर इंटरनेट पर उनकी मौत से पहले ही आ गई थी। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि इंटरनेट पर उनकी मौत से पहले ही ये खबर आ गई। विकिपीडिया पर होने वाले अपडेट की हिस्ट्री देखकर यह पता चलता सुनिएगा। है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर विकिपीडिया के पेज पर सुबह 8:59 पर ही आ गई थी, जबकि मुंबई पुलिस की अब तक की थ्योरी ये कहती रही है कि सुबह 9:30 बजे सुशांत ने जूस पिया था और 10 बजे वो अपने कमरे में गए थे। यानी 10 बजे तक अब ये सुशांत की चैनल का मौत आप हुई वो क्लिप भी उसके देख बाद लीजिएगा, सुशांत की ये मौत जो हुई। भी है। इस नई जानकारी के सामने आने के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सुशांत के मरने से पहले ही विकिपीडिया पर सुशांत का पेज कैसे अपडेट हुआ। इस नए पहलू ने मुंबई खैर अब जो पुलिस भी की है ये जांच तो आप जांच लोगों की को मिल और जाएगा। पुलिस ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ये कल वीडियो अपलोड हुआ है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चैनल है, न्यूज़ चैनल, उस पर मैंने भी शो किया हुआ है। ये कल इन्होंने अपलोड किया है, और जो मैंने उस वीडियो में डाला था जो प्राइवेट है, उसको ये सही बता रहे हैं। एक तरीके से उस थ्योरी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरी थ्योरी को नहीं, जो मैंने बोला था उसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अब भी बोल रहा हूँ कि मेरी जितनी समझ है ज्योग्राफी को लेकर के, टाइम जोन को लेकर के, और जो मैं समझ पाया हूँ आफ्टर डीप रिसर्च, क्योंकि वीडियो पे जब देखा कि 20 मिनट में अगर 11,000 12,000 व्यूज़ आ जाए तो एक बार बनता है देखना कि मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है। और जब दोबारा देखा तो लगा, मेरे हिसाब से मुझे लगा मैंने गड़बड़ी की है। अब भी मैं बोलूँगा कि टेक्निकली वो वीडियो इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप कमेंट पे लिख दीजिए, मैं उस वीडियो को पब्लिक कर दूंगा। मैं कमेंट भी वहां कर दूंगा, पिन भी कर दूंगा कि ये वीडियो इनअप्रोप्रिएट है। गलती सबसे होती है, मुझसे भी मैं मानता हूं कि हो गई। देखना है तो बता दीजिएगा। ये तो वीडियो के बारे में हो गई, और दूसरी बात, ये जो मेरी कुछ वीडियोस को लोग कॉपी वॉपी करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये नज़र में आया है, कुछ लोगों ने मुझे लिंक्स भेजा है। मैं साफ सी बात कहता हूँ, देखिए अगर यूट्यूब पे ग्रो करना है आपको, यूट्यूबर बनना है, एक वे से जाइए, मेरी वीडियो को चोरी मत कीजिए। आप मुझे मेल कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, आप मेरे फुटेज को यूज कर सकते हैं। टाइटल आपको जो डालना है आप अपनी मर्जी से डालिए, टाइटल थंबनेल आपको जो डालना है आप डालिए, लेकिन ये उसके लिए है जो कोई नया यूट्यूबर बनना चाहता है। अगर आप इतना आपको लगता है कि हाँ यूट्यूब से इतना फायदा है, तो आप ये भी एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। हेल्प मैं सबकी करता हूँ, लेकिन चोरी अच्छा नहीं लगता ना। आपने किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, वीडियो को आपने कहीं डाल दिया, अपने चैनल पे डाल दिया, कोई मुझे कह रहा है एस्ट्रोलॉजर है, तो कोई मुझे कह रहा है कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, तो फिर ये बातें, फिर मज़ा नहीं आता इन चीज़ों में। क्लियर कट रही है लाइफ में, जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे आगे चल करके उतना फ़ायदा होगा। शॉर्ट वाला सक्सेस कभी काम नहीं आता है। और जो मैंने 2-3 महीने पहले अप्रैल वगैरह में, अप्रैल में शायद वीडियोस बनाई थी बॉलीवुड को लेके और गौरव को लेके, अब तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने वो जो भी बोली ही बातें उसमें गलत नहीं बोली है, गौरव को लेकर के, बॉलीवुड को लेकर के, मतलब काम कंसेप्ट
बंदा सारा दे, उस पर मूवी बने, मलाई कोई और खा जाए, बंदे का नाम तक नहीं आए, तो इसको क्या बोला जाएगा? ये एक अलग तरह का, इसको कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको, यूज़ कर लेना किसी को, 3M मूवी आपने देखी होगी, रणविजय जी वाली। मुझे लगता है, आज स्ट्रांगली मैं फील करता हूँ कि गौरव को कम से कम नाम क्रेडिट देना चाहिए था कि बेस्ड ऑन कुछ भी, ऐसा नहीं दिया। फिर कभी मुलाकात होगी, आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने बालाजी टेलीफिल्म को भी, मैंने उनका अभी प्रोग्राम रिजेक्ट कर रखा है, मैंने एसएल एंटरटेनमेंट का फियर फाइल को भी रिजेक्ट कर रखा है, और बिग बॉस को भी मैंने रिजेक्ट कर रखा है। बिग बॉस का इनफैक्ट एक शो को मैंने रिजेक्ट कर रखा है क्योंकि मेरा एथिक्स अलाउ नहीं कर रहा था उस तरह के लोगों से काम करना और उस तरह की चीज़ें करना जो वो करवाना चाहते हैं। तो आपको जो भी लगे, वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। और लास्ट में ये बोलूंगा कि ये जो सुशांत भाई से कम्युनिकेशन की बात लोग कर रहे हैं, मुझे एक बार एक्सेस, यार चलो पटना मुंबई छोड़ो, आप दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DCE वहाँ का मिल जाए ना, क्योंकि मैंने एक इंस्टा पोस्ट देखा था किसी का, मेरे किसी फ्रेंड ने भेजा था, उनके कुछ 50 सपने ऐसा कुछ जिक्र किया था, उसमें एक ये भी था कि उनको अपने कॉलेज में टाइम स्पेंड करना है, एंड देन आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कुड बी हिज वन ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस। तो अगर वहाँ मैं कुछ करूँ और कुछ मिल पाया तो मैं ज़रूर मैं आपके लिए करूँगा। अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और फिलहाल तो मैं सेफ हूँ, आप लोगों की दुआ है साथ, दुआ साथ रखिएगा।